फ्रेंड्स, ये है दुबई कबड्डी मास्टर 2018 का डे 2 का प्रेडिक्शन वीडियो। तो आपको क्या करना है, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिनमें से पहले बात तो ये है कि कल मैंने डे 1 प्रेडिक्शन वाली वीडियो बनाई थी, जहाँ पर पहले दिन जो मतलब दो मैचेस जो आज हैं उसकी प्रेडिक्शन बताई थी। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आप हैशटैग लगाकर विनर बताइए कि कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है, मैच 1 और 2 का एक ही कमेंट के अंदर। तो मैंने बोला था, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया। तो यार अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी रिजल्ट नहीं आ पाया। तो आज मैच खत्म हो जाएगा तो जो मैं कल वीडियो लाने वाला हूँ डे 3 प्रेडिक्शन वाली, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा जिन्होंने सही प्रेडिक्शन किया है, मैं उसका कमेंट दिखा दूंगा और नाम बता दूंगा जिन्होंने सही प्रेडिक्ट किया है। जो डे 1 वाले वीडियो में सही प्रेडिक्ट किया है उसका आपको डे 3 वाले में रिजल्ट मिल जाएगा। और आज की वीडियो भी आप कर सकते हो कमेंट की कौन सी टीम जीत सकती है। आपको क्या करना है, हैशटैग लगाना है और पहला मैच जो है वो है ईरान वर्सेज अर्जेंटीना। तो आपको लिखना है हैशटैग ईरान वर्सेज अर्जेंटीना और विनर लिखना है जो आपको लगता है उसका नाम लिख देना है। और दूसरा मैच हैशटैग इंडिया वर्सेज केनिया, जो आपको विनर लगता है उसको लिख देना है। तो आप अगर आज आपका प्रेडिक्शन सही हो जाता है, आपको एक ही कमेंट में करना है, तो मैं जो चौथी डे वाली वीडियो लाऊंगा उसमें इसका रिजल्ट निकलेगा। और एक और बात की, अगर आपको किसी भी टीम का स्क्वाड नहीं मालूम है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, क्योंकि अगर आपको किसी टीम की स्क्वाड नहीं मालूम होगी तो आप खुद से भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग है। और आखिरी बात यह है कि मैंने पूल क्रिएट किया है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करो और पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा हु विल वन इन फर्स्ट मैच। ऑप्शन दिए गए होंगे ईरान और अर्जेंटीना, और सेकेंड मैच में दिया गया होगा सेकेंड जो पूल होगा, दो पूल क्रिएट किए हैं, एक होगा हु विल वन इन सेकेंड मैच, इंडिया और केन्या। तो आप दोनों में अपने फेवरेट टीम को वोट दे सकते हो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ पहले मैच की प्रेडिक्शन। तो डे 2 को जो पहला मैच है वो है ईरान वर्सेस अर्जेंटीना के बीच। यह हमें इंडिया में 8 बजे से टीवी पर देखने को मिलेगा स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर, तो आप इसे देख सकते हो और आपको ये हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं आपको प्रेडिक्शन बता देता हूँ। तो यार अभी भी अर्जेंटीना मुझे उतनी ज़्यादा स्ट्रांग टीम नहीं लग रही कबड्डी में, और भले ही मिराज शेख, फजल अट्रचाली, अबोजर मेघानी नहीं खेल रहे हैं, तभी मुझे लगता है ईरान आसानी से हरा दे अर्जेंटीना की टीम को। तो मैं यहाँ पर 70% ईरान को देना चाहता हूँ और 30% अर्जेंटीना को देना चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ अभी अर्जेंटीना टीम को कबड्डी खेलने का उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो ये एक मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है, क्योंकि पिछले साल मैंने देखा बहुत ज़्यादा अनुभव की कमी झलक रही थी इस टीम के पास, बेमतलब का टैकल पकड़ रहे थे और फालतू रेड भी कर रहे थे। और ईरान जो है वो थोड़ी एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए मैं ईरान को यहाँ से पिक कर रहा हूँ। दूसरे मैच की बात करें तो दूसरा मैच है अपने इंडिया और केन्या के बीच। मुझे लगता है जो नई टीमें आई थी उसमें केन्या का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा रहा था पिछले ईयर। तो केन्या यार अच्छी टीम है, मेरे मुझे लगता है डेविड मोसम्बायी वहाँ के सबसे अच्छे प्लेयर हैं, और इंडिया में यार सब प्लेयर्स अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैं आसानी से इंडिया को ही पिक करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर इंडिया को देता हूँ 65% और केन्या को 35%। अब यार बहुत लोग बोलेंगे इंडिया को 100% क्यों नहीं दिया। तो यार अगर मैं इंडिया को 100% दे दूँ तो ये कोई प्रेडिक्शन थोड़ी ना हो, ये तो कॉन्फर्मेशन हो गई कि हाँ यहाँ पर 100% मैं कन्फर्म करता हूँ इंडिया ही जीतने वाली है। ये कबड्डी है यार, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कन्फर्म कह सकते हो, क्या पता कहीं केन्या जीत जाए, आप कुछ नहीं कह सकते। तो यार इसीलिए मैं 65% ही दे रहा हूँ इंडिया को और 35% केन्या को। केन्या भी अच्छी टीम है, कुछ भी हो सकता है, पर मुझे लगता है इंडिया जीत जाएगी, ज़्यादा चांसेस यही है। तो मैं 65% दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं किसी टीम को दूंगा भी नहीं, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो यार ये थी वो प्रेडिक्शन वीडियो डे 2 की। और फ्रेंड्स आप डे 1 की भी वीडियो देख सकते हो चैनल विजिट कर। और मैं आपको पूल में वोट करने के लिए कह दिया हूँ, आप कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिए हैशटैग लगाकर, जैसा मैंने आपको बताया है। हैशटैग लगाइए और मैच लिखिए और उसके बाद विनर अपना लिख दीजिए। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है तो मैं जो डे 4 वाली वीडियो लाऊंगा उसमें इसका रिजल्ट बताऊंगा किनका सही हुआ है, और मैं आपका कमेंट भी दिखाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, ताकि मैं जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना है, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।